Assalamu alaikum and welcome once again to the second season of the Zalmi Chillout Lounge, which is exclusively brought to you by Higher Inspired Living. Two extremely promising emerging cricketers from Peshawar, Zalmi, Ibtisam Sheikh and Usman Khalid. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaise hain aap dono? Theek hain. Koi jaldi subah subah aap logon ko zyada disturb to nahi kar diya? Nahi, bas main to bahut dard utha raha hu. Ibtisam ka humne almost 1 ghanta wait kiya. Bachche hain abhi ye neend puri nahi hui iski isliye. Ha? Ibtisam aap lekin ab last year se ab tak bade hue ho. Maine jab aapko is last year dekha tha to aap bilkul chote se बेबी टीनेजर टाइप स्कूल बॉय लगते थे, लेकिन अब आपने एक चाम भी आ गया ऐसे क्रिकेटर और अब आपने अपने हमें स्टारी एटीट्यूड दिखाना भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। ये मैंने इल्जाम लगाया पे झूठा नहीं, झूठा तो नहीं है। लास्ट ईयर अगर दाढ़ी रखता तो बड़ा लगता फिर। इस साल दाढ़ी आपस में कितनी आप लोगों की आपस में क्लोजनेस फ्रेंडशिप कैसी है? बहुत अच्छी है। और उनको हमारे सिल्वर कैटेगरी के बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर है, पेशावर Zalmi के बड़े प्राइज्ड प्लेयर है, ऐसा तो मत करें यार आप उनके साथ। चले आप यंगस्टर हैं। मैं हूँ यंगस्टर भाई, आपको ग्राउंड में पता चलेगा। हाँ के हूँ के नहीं हूँ मेरा यंगस्टर। अच्छा इतने साम आपके बिल्लियों का जिक्र हर बंदा कर रहा है यहाँ पे आके। नहीं ये जमाल भाई ने किया, बिल्ली पाल कर। इसके पास दो बिल्लियाँ हैं जिनके पास रेड आईज हैं, एक का नाम मैक्स है, एक का नाम शेरी, एक बेला भी है। बेला बेला भी है। अच्छा अच्छा। और आपने किसको प्रॉमिस किया उसकी किटन देने का? ऑन कैमरा किया इसने मुझे प्रॉमिस, इस साल मुझे मिल जानी चाहिए। एनीवेज आप मुझे ये बताएं कि आप खेलते हैं गेम्स, बोर्ड गेम्स, कोई ताश, लूडो, स्क्रैबल? गेम तो खेलते हैं मोबाइल पे ज्यादा। मोबाइल तो सब लोगों को लेट हुआ है। ताश भी खेलते हैं। अच्छा, मतलब जब होते हैं ना उधर फर्स्ट क्लास खेलते हैं तो उसी दौरान खेलते हैं, टाइम मिलता है बहुत ज्यादा, इधर तो टाइम नहीं मिलता तो उधर ही खेलते हैं। इधर आप लोगों को इतनी ज्यादा स्ट्रेस है कि अच्छा परफॉर्म करना है, पॉइंट्स टेबल पे पीछे नहीं रहना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी रखनी है, इतना अच्छा माशाल्लाह स्क्वाड है तो हर एक बंदे को अपना जगह मेंटेन रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हमारे इस चिल्लाउट लाउंज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम आप लोगों को यहाँ इन्वाइट करें और थोड़े से इंटरेस्टिंग ऐसे गेम्स करें जिससे आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो। अब फॉर्मेट इब्तिसाम थोड़ा सा चेंज है इस गेम का। लास्ट ईयर आप लोग कह रहे थे जी आपने अपनी मर्जी के गेम्स रखे हुए हैं, आप चीटिंग कर रही हैं। इस बार हमारे पास एक स्पिन व्हील है, आप लोगों ने घुमाना है पहिए को और जिस टर्न बैटन अच्छा जिस पे वो पहिए का पॉइंटर आके रुकेगा वो गेम आपकी चोजन गेम होगी जो हम सब खेलेंगे। कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें आपको तीन पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है। अच्छा। आप दोनों के साथ मैं भी खेलूंगी लेकिन मैं किसी रेस का हिस्सा नहीं होंगी। आप अच्छा। कम्पीट कर रहे हैं इब्तिसाम के अगेंस्ट, आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, जो जीतेगा उसको शानदार से इनाम दिए जाएंगे। चलो इधर तो अच्छे वो अंपायर तो सही मिला। आप ये बताएंगे पहले कौन ये घुमाएगा, इसमें टॉस करना चाहेंगे कि एक दूसरे में से कोई एक डिसाइड करेंगे? ये घुमा ले पहले। चुप। इब्तिसाम स्पिनर है भाई। व्हाट डू यू मीन? अच्छा व्हाट डू यू मीन? इब्तिसाम ने गेम सिलेक्ट किया। अब ये गेम बहुत सिंपल सी है। अच्छा। आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास कुछ इमेज कार्ड्स हैं, तस्वीरें हैं, कुछ बड़ी वायरल हुई हुई हैं कुछ इनमें से तस्वीरें, जैसे कि ये है, ये है। इसके साथ साथ हम आप लोगों को कैप्शन कार्ड्स देंगे, इसको शफल करके एक टर्न बाय टर्न हम इमेज कार्ड को रखेंगे स्टैंड पे ईजल पे और आपको साथ साथ कैप्शन कार्ड्स दिए जाएंगे, मुझे भी साथ कैप्शन कार्ड्स मिलेंगे। आपने ये बताना है कि सबसे ज़्यादा फनी सिलेक्ट करनी है आपने कैप्शन, किस कौन सा जुमला, कौन सा सेंटेंस, कौन सा कैप्शन उस तस्वीर के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है, उसको बहुत फनी करा रहा है। अच्छा। जिसका सबसे फनी होगा ना जज
टर्न बाय टर्न तीनों बनेंगे, जज उसको वोट करेगा और फिर आपको पिक्चर मिल जाएगी. जिसके पास पहले दो पिक्चर्स आ गए वो इस राउंड का विनर हो जाएगा. सिंपल, वेरी सिंपल. अच्छा, पहले जज इब्तिसाम को बना रहे थे हम, पहले जज इब्तिसाम को बना रहे थे ना. सही है ये इब्तिसाम. इन इमेज कार्ड्स में से आप कहीं से भी एक कार्ड उठा के उस इजल पे रख दो. जी Why are you like this? अब ये अपने आप को शीशे में देख के इसको कैमरे में भी दिखा देते सामने एक बार. ये तो तेरे पे लिए. Why are you like this? अपने आप को देख के खुश हो रहा है और कह रहा है तुम ऐसे क्यों. अब आप निकालें उसके साथ कुछ फनी जुमला जो सेट होता है, मैं भी निकालती हूँ. मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है. मैं तो हारी नहीं. मैं तो अपना ऐसा कार्ड अगर कुछ भी अच्छा ना है ना, तो कोई ऐसा कार्ड जो आपको लगता है कभी भी काम नहीं आएगा उसको डाल दें. मैं ऐसा कोई कार्ड थ्रो करने वाली हूँ. ओके, कंपेयर टू द रेस्ट आई थिंक दिस इज अ लिटिल फनी. जल्दी जल्दी ठीक है. मैं अपना पढ़ू कार्ड. जज साहब आपने सिर्फ जज करना है इस बार. When you get to a party and immediately have to use the washroom. देखी शक्ल देखी. मैं पढ़ती हूँ आपके लिए. ये बाप भी पढ़ रहा. When you check the time at work, it's 10 a.m. Then you check again 3 hours later and it's 10:22 a.m. इसके साथ मैच करना चाहिए. ये ना उसके साथ तो नहीं मैच करता. ये तो तब वो जब हमने सर पकड़ा हो या कुछ ऐसे परेशान हो. ये वो अंकल के लिए था जो मैंने. हाँ जी लाइन देने मुझे कार्ड. मेरे पास आया तो एक कार्ड ऐसा है ना. ये वाले कार्ड सब यहाँ रख दीजिए. यूज़ होगा वहाँ से एक एक कार्ड. मेरा तो नहीं ना. ये तो नहीं आपके लिए. अब हर एक के पास 7-7 कार्ड होने चाहिए. जी ये मुझे दे दे. जिसके पास ये दो इमेज कार्ड आ गए ना वो विनर होगा. मेरे पास एक तो आ गया. सारे आप ही. अच्छा उस्मान अब आपकी आपकी टर्न है. तस्वीर भी कहीं से भी निकाल ले. एक तस्वीर अच्छी सी कोई तस्वीर लेके आए. अंकल वाली नहीं होगी. अच्छा ये भी क्यूट है. अब जो आगे दिखा दे जरा क्वेश्चन मार्क. कंफ्यूजन कंफ्यूजन. अब आप क्योंकि जज है ना तो आप इसमें कुछ नहीं सजेस्ट करेंगे. ये इब्तिसाम और मैं करेंगे. ओके जज किसने करना है. मिस्टर उस्मान ने. अच्छा अभी देखते हैं. तस्वीर चली गई यार. मेरा पॉइंट चला गया. आप हाथ में पकड़ लो अगर हवा से रुकनी है. दिखा दें क्या मेरे को. दिखाते हैं. हाँ जी मिस्टर इब्तिसाम शेख. How far? आप तो कहते हैं जीत गया आपका भाई जीत गया. When your mom adds you on Snapchat. शक्ल दिखाएं इसकी. परेशानी में आ जाएगा ना मतलब यार. आपका क्या है? मेरा है. When you say something funny and nobody hears it, then someone else repeats it and everyone laughs. आपने कुछ फनी बोला है किसी को देखा. आपने कुछ फनी बोला है किसी को आपकी आवाज नहीं है. फिर इब्तिसाम ने वही जोक बोल दिया सब हंसने लग जाते हैं. तो आगे शक्ल बनाएंगे ना कि अगर आपकी अम्मी आपको स्नैपचैट. आई एम द जज. आई एम द जज. आप लोगों ने सच में आप लोगों ने शेयर प्रॉमिस तो ओथ तो लिया ही नहीं कि इस गेम में आप लोगों ने कोई किसी किस्म की चीटिंग नहीं करी. आई एम द जज. नहीं नहीं मैं जीत गई ऑब्वियसली. लेकिन अब एक और काम करेंगे क्योंकि मैं कम्पीट नहीं कर रही. तो अब मैं आप दोनों जज. अब मैं जज बनूंगी आप दोनों खेलेंगे और जिसका फनी होगा वो जीत जाएगा. वो जीत जाएगा. ओके बॉयज ठीक है. अब जो इसका फनी कैप्शन निकाल देगा ना इस गेम का ये डिसाइडर है वो जीत जाएगा जी हमारा फर्स्ट राउंड. ये अच्छा होता उर्दू में लिखा होता. मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूं. ये जी ये आपकी इमेज आई है मिस्टर इब्तिसाम. मुश्किल क्या 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 कह रही होगी ये.
क्यों ऐसी है? What? क्यों परेशान है? What? What? डिसाइड कर लिया आपने? यही लग रहा है इसके साथ में ऐसा। आपका वो कार्ड है? आओ अपना। इब्तिसाम? लास्ट डे तो आपने अपनी डेलीज डेलीज परफ्यूम्स में उड़ाई थी इस साल? गुड बॉय, सीख गया लड़का, सीख गया। आपने कौन सा चूज किया? इस तरीके से ये जल्दी कहें। ये भी ठीक। इब्तिसाम, मुझे आई फाइंड इट फनी। आपने कर लिया? अच्छा जी, इब्तिसाम का कैप्शन फॉर दिस इज When your crush says they only have time for work and school, but their social media is full of adventures. यानी आपका crush आपको बोलता है मेरे पास time ही नहीं है, लेकिन social media पे लगता है कि जिस तरह हर दुनिया का adventure और fun और मस्ती वो कर रहे हैं। और वो यो देखते हैं। तो इतना शक्ल ऐसे बनाता है। नीचे गिरा। हंसी नहीं आई आपको? मैं इसकी joke पे नहीं हंसता। Okay, even this is fun. When you're at Starbucks and the dude in front of you is ordering for his whole office. इब्तिसाम ये funny है। ये भी funny है। अच्छा अब मैं बहुत honestly judge करने वाली हूँ। इब्तिसाम शेख आपका ज़्यादा funny था। आप दोनों का बहुत funny था। लेकिन उसपे reaction आता ना मेरे आले पे, वो reaction ऐसा आ रहा है। इसमें reaction तो थोड़ा इतना ज़्यादा bad है। और तो ये भी अच्छा है। Hello. Well done. आप स्पिन व्हील को जरा घुमाएं ना, देखें हम कौन सी गेम। ज्यादा नहीं घुमाना इसको। Guess what I am. This is an interesting game. Guess what I am में आपने क्या करना है? ये जो हेडबैंड है, टर्न बाय टर्न आप दोनों ने इसको अपने हेड पे लगाना है। ये कार्ड्स हैं, इनको मैं शफल करूंगी। अच्छा। आप एक रैंडमली पिक करेंगे, उसको देखे बगैर यहाँ पे लगा लेंगे। और आप दूसरे बंदे से सवाल पूछेंगे, आपने गेस करना है कि ये क्या है, लेकिन वो आपको जवाब दे सकेगा सिर्फ हाँ या ना में। क्या ये जानवर है? हाँ ये जानवर है। क्या ये जानवर दूसरे जानवर खाता है? हाँ ये खाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्ली है, क्या ये हम इसको घर में रखते हैं? सिर्फ हाँ या ना के जवाब। जितने कम क्वेश्चन में आप गेस करेंगे, जो कम क्वेश्चन में गेस करेगा वो विनर होगा। आप यहाँ से कोई सा भी कार्ड उठा लीजिए, देखना नहीं आपने। इब्तिसाम आप मत देखें, ये आप इनके उसमें क्राउन में चिपका दो। हाँ, इस गैप में। इसमें है क्या गया अंदर? चलिए जी, अब आप पूछ लें। बस अब पूछते रहे इब्तिसाम से। मैंने पूछा ना, क्या ये जानवर है? यस। ये जंगल वाला जानवर है? नो। नहीं, जंगल वाला जानवर नहीं है। जंगल वाला? हाँ और ना। मैंने तो इसको जंगल में नहीं देखा। क्या ये हलाल है? जी। अच्छा। आए, पहुंच गए। तीन क्वेश्चन में पहुंच गए। तीन क्वेश्चन में पहुंच गया। दूध देता है? फिर उसने बता दिया क्या? सही पहुंचे हो ना? बिल्कुल। चार हो गए क्वेश्चंस, देख ले पहुंच गए हैं। कंफ्यूज हूं बड़े और छोटे में। बकरी है वो। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऊंट भी हो सकता है। गुड बाय। एक चीज थोड़ी सा गाय भी हो सकता है। हां सब हो सकता है। नजर आ गया मुझे। कलर पूछना, कलर पूछना। कलर इसका ब्लैक है क्या? हाँ जी, ब्लैक एंड समथिंग। नहीं समथिंग नहीं है, एक बताओ ना, इनसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, कलर ब्लैक है? फुल ब्लैक? हाफ ब्लैक। बस भी कह रहे हैं, गेस कर ले। आप काउंट करते हैं कितने सवाल? पांच हैं मैंने गिने। गाय। पांच हैं। पांच। पांच हैं यार। गाय। ये गाय है? काओ। बट बस जो है।
गाय भाई बफेलो नहीं है, बफेलो इस तरह नहीं है, शर्त लगा ले मेरे साथ बफेलो। ठीक है, ये मुश्किल कैमरे में नहीं जी, बहुत इजी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको छोटी सी हिंट करा सकती हूँ। अभी हमने उस चीज के बारे में जिक्र किया है जो लास्ट ईयर भी हुई थी। अब तो आपको एक क्वेश्चन में गेस कर लेना चाहिए इब्तिसाम। अच्छा एक क्वेश्चन पूछे, पूछ मिस्टर इब्तिसाम। सोच में पड़ गया बेचारा, लास्ट ईयर तो बहुत कुछ हुआ था। चलो पूछो क्वेश्चन। लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ एडिबल है? हम यस और नो में जवाब दे सकते हैं। सॉरी हां, यस और नो में जवाब देना। आपने यस और नो का क्वेश्चन नहीं पूछा। लिविंग थिंग है, हम बोलेंगे नो। आपने दो सवाल पूछे ना एक में। लिविंग थिंग नो, नहीं एक है, एक है वो चीज नहीं, एक क्वेश्चन हुआ। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं? कोई सीधा सीधा बता दो आप इसको। इस साल से मेरे बड़े इल्जाम लगाए थे, झूठे चीटे। सीधा सीधा बता दो यार, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सवाल करो ताकि बता। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होती हैं? हाँ जी जी, कम के तो उसका स्टाइलिश है वो, उस तरीके का नहीं स्टाइलिश। स्टाइलिश कोई आइटम नहीं है, कुछ और चीज है, ऐसे कोई रोजमर्रा का नौ कपड़ा टाइप नहीं है। No. बस बहुत बड़ा हिंट दिया, एक और हिंट दे सकती हूँ? दो पूछ चुके हैं व्यक्ति, तीन हो गए। नहीं दो है, दो पूछे। अच्छा नहीं है, नहीं चीटिंग में माइनस कर देते हैं इधर से, फिर पूछ ले। अगर ये टाइमर वाला मामला है, शर्ट है? नहीं शर्ट नहीं है, बस इसने तो बोल दिया। आपको गेस नहीं करना, गेस कर दिया आपने, शर्ट है। अभी क्वेश्चन पूछो भाई, क्या हो गया इब्तिसाम शेख? तीन हो गए क्वेश्चन, शर्ट नहीं है, क्लॉथ है? क्लोथिंग नहीं है। चार क्वेश्चन हो गए, एक गेम करा दूं, मजा आएगा फिर इसके बाद करा दो। अच्छा एक तो फायदा नहीं होगा ना, फिर आप जीत जाएंगे ना। थोड़ा कॉम्पिटिटिव करने के लिए एक खाने की चीज है। अब आपको मैंने इससे पहले जो एक हिंट दी थी उसको खाने की चीज से जोड़ो, आप पहुंच जाओगे ना। पहुंचे तो खाने की चीज है, चलो मैं बता देता हूं। नहीं नहीं अभी नहीं। हां इत्तेसाम, अभी मैंने सबसे पहले गेम स्टार्ट होने से पहले क्या बोला था? बस कर ले, एक है बर्थडे केक। शुक्र है, शुक्र है तू पहुंच गया। चार में जीता, बहुत हेल्प की है इब्तिसाम की। नहीं उस्मान में हमने सीरियसली देखा था वो बफेलो को, सीरियसली बताया कि उल्टा दिखा है। इसमें नजर आ रहा है देखो, देख क्या है ये, ये सैंडविच है। सैंडविच है, कितना साफ दिख रहा है उधर। आपने उल्टी देख ली बफेलो, और कितने एक्यूरेट क्वेश्चन कर रहे हैं। दूध देती है, कलर क्या है वो मुझे बस जानवर है, हजार में रहता है यार। आपको आपको तो आपको तो सीधा सीधा बता दिया उसने। चलो ये जो पूरी हमारी जलमे चला डांस सीजन 2 जो एक्सक्लूसिवली हायर ने प्रेजेंट किया है, इसके विनर है इब्तिसाम शेख। इब्तिसाम शेख का टाइम आ गया। अब आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना टाइम आएगा जरा रैप तो कर दे। नहीं ऐसे ही नहीं, ये क्या बात है, उस्मान भाई करेंगे। चल सुना ही नहीं है ये गाना, एक लाइन लगा दे, एक लाइन। इब्तिसाम आप विनर हो यार, अपना टाइम आएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच इब्तिसाम, वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला।